चैप्टर वही आपके पास टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन है, लेकिन टॉपिक हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल करेंगे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होती है? बेसिकली इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमारे पास ये आपके पास फॉर्म है उसकी, डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म। इसमें आपके पास ये जो आपके पास फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड है, इसके टू काइंड में से डिवाइड किया गया। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की आपके पास टू प्रॉपर्टीज होती है। एक आपके पास होती है फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, दूसरी इसकी आपके पास इसकी प्रॉपर्टी होती है सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की हम डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट काइंड देखेंगे, आपके पास है डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज फर्स्ट काइंड। इफ आपके पास ए, अगर आपके पास माइनस इंफिनिटी आ जाए, ठीक है, या आप कह लें बी आपके पास इंफिनिटी आ जाए, या दोनों आपके पास आ जाए इंफिनिटी, इस सूरत में आपके पास क्या होगी? ये आपके पास फर्स्ट काइंड होगी इंटीग्रल इक्वेशन की, इसको हम फर्स्ट काइंड बोलेंगे। इसकी एग्जाम्पल देखें, अच्छा इसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं, माइनस इनफिनिटी टू बी एज इट इज आएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, लेकिन कौन सी काइंड होगी? फर्स्ट काइंड। आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट काइंड क्या है और सेकंड काइंड क्या है, थोड़ा सा आपको उसकी सेल्फ पता होनी चाहिए। पूछ सकते हैं इस तरह लिमिट देकर, बी कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए एज इट इज बी इनफिनिटी, ये भी आपके पास अगर इस टाइप की इंटीग्रेशन हो तब भी आपके पास ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। कौन सी काइंड होगी? फर्स्ट काइंड। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत कहा था उसने, अब माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपके पास है फर्स्ट काइंड, किसकी? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इस टाइप की इंटीग्रेशन आपके पास क्या करते हैं? आपके पास है उसके कहते हैं जज कर सकते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल से। ये आपके पास डेफिनेट और जो आपने इंटीग्रेशन की है उससे ज़रा सेपरेट है, इसमें आपके पास इन्फिनिटी रोल हो रही है। दूसरी भी आपके पास काइंड है, सेकंड काइंड है, इसे हम सेकंड काइंड कब कहेंगे? यह आपके पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेकंड काइंड इफ, अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को आप फंक्शन में पुट करें उसका आंसर आपके पास इनफिनाइट आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिख देती हूँ, ए एंड बी, ए एंड बी तो आपके पास फाइनाइट हो और फाइनाइट, लेकिन जब आप इसमें इसकी लिमिट पुट करें, बट किस में पुट करेंगे? एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे, तब इसका आंसर क्या आना चाहिए? तब इसका आंसर आपके पास इनफाइनाइट आना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज इनफाइनाइट, ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कौन सी काइंड होगी? सेकंड काइंड। यहाँ पर लिख देते हैं फॉर सम पॉइंट, जो पुट करेंगे वो ए बी भी हो सकता है और ए बी के अंदर जो आपके पास रेंज भी बनोगी उसके अंदर भी हो। ठीक है, ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल की एक फर्स्ट काइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा आपके पास सेकंड काइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिफरेंस आपने बताना हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल में, तो आपने कहना है कि इसमें आपके पास इन्फिनिटी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसकी आपने ये डेफिनेशन कर। अब इसका आंसर के लिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल को जब हम सॉल्व आउट करते हैं, बाकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं एज इट इज, इसको वहाँ पर हम कोई जज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर इम्प्रॉपर इंटीग्रल का स्पेशल केस है, ये सिर्फ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए ही हम करते हैं।
जब हम प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड दोनों के लिए, कि जो आपके पास गिवन इंटीग्रेशन है फर्स्ट काइंड भी हो सकती है सेकंड काइंड भी हो सकती है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये किस सूरत में आपके पास कन्वर्जेंट होगी अगर इसका आंसर आपके पास फाइनाइट आ जाए। अगर आंसर आपके पास फाइनाइट आ रहा है तो आपने कहना है जो आपके पास गिवन इंटीग्रेशन है इट इज कन्वर्जेंट, आप उसे कहेंगे इट इज इट इज कन्वर्जेंट। इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, अगर आपके पास फाइनाइट ना आए आंसर, ठीक है, या इट्स में इनफाइनाइट आ रहे, उस केस में आपने कहना है ये डाइवर्ज कर रहा है। अगर आपके पास ये इनफाइनाइट आ जाए तो तब आपने क्या कहना है, तब आपने कहना है जो ये आपके पास गिवन इंटीग्रेशन है उसका आंसर अगर आपके पास इंफिनिटी आ जाए उस सूरत में आपने क्या करना है, ये डाइवर्जेंट होगा। तो आपने कहना है ये जो इंटीग्रल है इस डाइवर्जेंट, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये बस है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आपके पास क्राइटेरिया आते हैं, जब आपने उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसकी इंटीग्रेशन सॉल्व आउट करनी है, वहाँ पे आपने चेक करना है कि ये आपके पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट होगा तो उसका आंसर फाइनाइट आए, डाइवर्जेंट होगा उसका आंसर इनफाइनाइट आए। फाइनाइट से मीन है, फाइनाइट से मुराद है कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है, और इनफाइनाइट का मतलब इनफिनिटी आ सकता है। इसकी एग्जांपल करते हैं, वहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल बेसिकली होती क्या है। इसका क्वेश्चन है फाइंड द कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आपको पता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, एक वो फर्स्ट काइंड होती है, दूसरी आपके पास सेकंड काइंड होती है। तो दोनों ही यहाँ पर डिस्कस करनी है, दोनों की हमने कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट चेक करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0 to infinity 1 over a² + x² dx, ये आपके पास गिवन इंटीग्रेशन है। अब हमें देखना है कि ये आपके पास कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। उसके लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन को यह देखेंगे, आपके पास क्या है इन्फिनिटी आ रहा है, इट्स मीन ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कौन सी काइंड है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की ये सेकंड काइंड। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जो मैं बोल रही हूँ, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, लेकिन इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कौन सी काइंड है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की आपके पास है सेकंड काइंड, सॉरी फर्स्ट काइंड, क्योंकि इसमें बी दोनों में से एक लिमिट की इंफिनिटी हो सकती है या दोनों इंफिनिटी हो सकती है। यहाँ पर दोनों में से एक है तो ये फर्स्ट काइंड है। अब इसे सॉल्व आउट करना है, हमें क्या, हमें देखना है कि ये कन्वर्ट है कि नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन का सॉल्व आउट करते हैं। इंटीग्रेशन का सॉल्व आउट करेंगे तो हमें पता है हम इसका आंसर बता सकते हैं, ये हमने किए हुए हैं a² + x² d(x) किसके इक्वल होते हैं, ये आपके पास इक्वल होता है 1 over a, ये मैंने आपको फॉर्मूला जनरल लिखवाया भी था, tan इनवर्स, ये डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स का x over a, ठीक है। आपने इस तरह से भी किया हो मे बी,
यहाँ पर मैं साइड पे लिख देती हूँ, आपने किया होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर एक ही जगह आपके पास 1 यूज हो रहा है, इस वजह से आप उसमें टेन इनवर्स ही लिखते हैं, टेन इनवर्स एक्स ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए चूंकि एज आ ये जनरल फॉर्म, यहाँ पर ए आपके पास 1 है तो इस वजह से आप वहाँ पर टेन इनवर्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये एज एम सी क्यू सॉल्व कर सकते हैं, एक ही वैल्यू मैं 2 दे दूँ 3 कर दूँ तो आपको ये फार्मूला ड्राइव करना आना चाहिए कि किस तरह से इसकी वैल्यूज हम लिख सकते हैं। एंड भी हमने क्या लिया, इंटीग्रेशन तो हमने बता दी इसकी क्या है, अब एंड भी हमारा काम क्या है, लिमिट अप्लाई करना। लिमिट क्या है, 0 to infinity है, वो अप्लाई करेंगे 0 to infinity क्योंकि 1 ओवर 1 कॉन्स्टेंट है, इसे हम एक साइड को लिख देते हैं और इसमें अब लिमिट जस्ट एक्स की पुट करते हैं तो वो वहाँ पर पुट करेंगे, टेन इनवर्स हो जाएगा आपके पास इन्फिनिटी ओवर ए माइनस टेन इनवर्स तो आपके पास हो जाएगा 0 ओवर a। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास है 1 ओवर a टेन इनवर्स। अच्छा, इन्फिनिटी ओवर ए का आंसर आपके पास क्या आता है, इन्फिनिटी आता है माइनस टेन, और 0/a का आंसर 0 आता है। अब यहाँ से आपने ये बताना है, टेन इन्फिनिटी किस पर होता है, 10 की जो वैल्यू होती है इन्फिनिटी किस पर होती है, पाई बाई 2 पर होती है, पाई बाई 2 आएगा, और 10 0 किस पर 0 होता है, 0 पर होता है। तो इसको जब आपने सॉल्व आउट किया तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाई 2 a, इट्स मीन ये आपके पास क्या है, फाइनाइट है, तो आप इसे क्या कहेंगे, ये जो आपके पास गिवन इंटीग्रल है इट इज कन्वर्जेंट इन प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, फाइनाइट आ जाए तो आप कह सकते हैं विच इज इम्प्रॉपर यहाँ पर मैंने मिस हो गया कन्वर्जेंट, ये ठीक है। नाइन प्रॉपर इंटीग्रल को सबसे पहले हमने क्या किया, ये आपके पास जो गिवन इंटीग्रल था इम्प्रॉपर था। इम्प्रॉपर क्यों था, क्योंकि इसकी एक जो आपके पास लिमिट थी वो इन्फिनिटी थी, इस वजह से आपने कहा कि इंटीग्रल इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम जब सॉल्व आउट करते हैं तो वहाँ पर हमें चेक करना होता है कि ये आपके पास फाइनाइट आ रहा है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट केस में हम कहते हैं ये कन्वर्जेंट है, और इनफाइनाइट केस में हम कहते हैं केस में हम कहते हैं ये डाइवर्जेंट है। ये जस्ट हम चेक करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल के सॉल्यूशन के लिए और किसी के लिए नहीं यूज। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 1 ओवर a + x² की इंटीग्रेशन की है, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास थी 1 ओवर a tan inverse x ओवर a। बाद में हमने क्या किया, लिमिट पुट कर दी है, लिमिट पुट किया है तो वहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, इस इक्वेशन में हमने देखा है कि 10 की वैल्यू देखी है कि 10 किस पर इन्फिनिटी है, तो वो 10 आपके पास पाई बाई 2 पर इन्फिनिटी होता है, और 10 जिसकी जो 0 होती है वो 0 पर वैल्यू 0 ही देता है। इसे सॉल्व आउट किया तो ये आपके पास आया पाई बाई 2 a, इट्स मीन फाइनाइट है, कुछ ना कुछ आंसर आया, इन्फिनिटी नहीं आया। तो यहाँ पर हम कहते हैं ये जो आपके पास गिवन इंटीग्रल है वो क्या है, कन्वर्जेंट है।
सेकंड क्वेश्चन है, ये आप खुद भी ट्राई करें और बताएं कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, कन्वर्ट कर रहा है या डिवर्ज कर रहा है। जीरो टू इन्फिनिटी एक्स साइन एक्स, डी एक्स, ये आपके पास इंटीग्रल है। ठीक है, तो हम सबसे ये क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्यों इंटीग्रल है, फर्स्ट काइंड है, क्योंकि इसकी जो ऊपर वाली लिमिट है वो इन्फिनिटी, इस वजह से हम इसे कह रहे हैं ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब हमने इसकी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करनी है, इसकी क्या हो सकती है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसकी इंटीग्रेशन चाहिए होगी। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व आउट करें, कंसाइडर मैंने किया इंटीग्रेशन, इसकी किया विदाउट लिमिट मैंने किया एक्स साइन एक्स की, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक को हम सेकंड लेंगे, अलजेब्रा पहले आता है बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आती है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा ये सेकंड फंक्शन होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे एक्स को पहले ले लेंगे, फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे, को साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, माइनस कोस होती है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस कोस, मैं फार्मूला नहीं लिखती हूँ, ड्रैग कर रही हूँ। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे जो कि वन है, साइन का आपके पास अगेन माइनस हो जाएगा, माइनस कोस, फिर आपने क्या करना है, इस पूरे की अगेन इंटीग्रेशन करनी है, तो ये आपके पास से सिंपलीफाई करेंगे, माइनस एक्स कोस ऑफ एक्स प्लस कोस की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, साइन एक्स होती है। अच्छा, ये वाला माइनस था, इस वाले माइनस से मिला तो प्लस हुआ। अब हमने क्या करनी है, अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट की है माइनस एक्स कोस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, इसमें लिमिट पुट कर रहे हैं, लिमिट कौन सी पुट करनी है, जीरो टू इन्फिनिटी पुट की है, तो जी आपको पता है इन्फिनिटी पुट करने से इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, इसकी लिमिट भी आपको पता है। अब यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करें, यहाँ पर एक्स की वजह से पूरी इक्वेशन इन्फिनिटी होगी, प्लस जीरो पुट करेंगे जीरो ही आएगा। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। अगर जिसका आंसर आपके पास इनफाइनाइट आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उस सूरत में हम कहते हैं कि ये जो आपके पास इंटीग्रल है ये आपके पास डाइवर्जन होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे विच इज डाइवर्जेंट, इंटीग्रल। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एग्जांपल लिया माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ई ए कोस पी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको हमने बताना है ये आपके पास कन्वर्ट कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है,
तो ये आपको पता है, ये आपके पास क्या इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट काइंड है, इसमें जो आपके पास ए है वो इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है ना। अब इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व आउट करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे? इसकी इंटीग्रेशन के लिए हमें पता है, मैंने यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई थी ना इनडेफिनेट के लिए, वही यूज कर रहे हैं। अगर आपके ये जनरल फॉर्म दी हुई है ई ए एक्स, मैंने कोस और साइन के साथ ये मैंने बताया था आपके पास, इसका आंसर क्या आता है? पी एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है? ये आपके पास होता है ई की पावर ए एक्स, ये आपके पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर बी नहीं होगा, पी होगा, ठीक है ना। वहां पर तो बी था, इस वजह से बी लिखा था। यहाँ पर बी की जगह पी है, तो हम पी लगाएं। ए ऐसे ही आ जाएगा बी, सॉरी, कॉस पी एक्स प्लस पी साइन पी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन इस तरह से होती है जी। हमने फॉर्मूला लिख लिया है, अब क्या करना है? लिमिट रहेगी, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट आपके पास क्या है? माइनस इनफिनिटी टू जीरो है ई ए एक्स, ये आपके पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कोस पी एक्स प्लस पी साइन पी एक्स। आपने पी की जगह बी के साथ इंटीग्रेशन की होगी, ठीक है। यहाँ पर पी है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज भी हो सकती है, पर बोला वही होता है। लिमिट अप्लाई की है माइनस इनफिनिटी टू जीरो। और आपको पता है, अगर ई में इनफिनिटी पुट करें उसका आंसर आपके पास इनफिनिटी आता है। अगर ई में माइनस इनफिनिटी पुट करें तो उसका आंसर आपके पास जीरो आता है, ठीक है। ये अच्छा, जीरो क्यों आता है? क्योंकि आपको पता है वन ओवर इन्फिनिटी जीरो के इक्वल होती है, इस वजह से इसका आंसर जीरो होता है। रेसिप्रोकल ले लेंगे ना, माइनस इनफिनिटी है तो वो आपके पास हो जाएगा वन ओवर ई की इनफिनिटी, और ई इनफिनिटी किसके इक्वल होता है? इनफिनिट के इक्वल। इसमें लिमिट पुट करेंगे हम, वन ओवर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसे हम एक साइड पर लिख देंगे। और ई है, इसमें हम पहले क्या पुट करेंगे? जीरो पुट करेंगे, के बाद ये ए कोस जीरो प्लस पी साइन जीरो। ये मैंने डायरेक्टली इसलिए लिखा है, पी को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें जीरो ही होनी है, तो ऐसे मैंने यहाँ पर जीरो लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? नीचे वाली लिमिट, अपर के बाद माइनस सब्ट्रैक्ट आता है, लोअर लिमिट पुट करें तो इन्फिनिटी पुट करने से ये आपके पास इन्फिनिटी आएगा इस काम पे। ई ए इन्फिनिटी, ठीक है, ए कोस सॉरी माइनस इनफिनिटी, हाँ माइनस इनफिनिटी,
इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ से आपके पास आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी वजह से ये पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी, -0। तो आपके पास जो आंसर आया है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, फाइनाइट है, तो आप कह सकते हैं ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। इस तरह से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके ने क्या किया, जस्ट सिंपल यहाँ पर ये आपने प्रॉपर यूज किया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मैंने साइन एंड कॉस की प्रॉपर्टीज दिखवाई थी, उसमें से मैंने कॉस के लिए यूज किया, एंड पर लिमिट पुट कर दी है, 0 की वजह से ये 1 कंसीडर कर दिया, और यहाँ पर इन्फिनिटी की वजह से ये 0 हो गया, माइनस इन्फिनिटी की वजह से पूरी इक्वेशन 0 कर दी है, एंड पर इसका आंसर निकाला गया। अभी तो हम फर्स्ट काइंड के क्वेश्चन का देखा है, कन्वर्जन डाइवर्जन, सेकंड काइंड को भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड काइंड का क्या था, आपके पास लिमिट तो फाइनाइट होगी, लेकिन क्वेश्चन में जब वो लिमिट पुट करें या उनमें से कोई पॉइंट पुट करें तो वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इस टाइप की जो आपके पास इंटीग्रल होती है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की सेकंड कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, डी एक्स। इसमें आप 1 पुट करें, फंक्शन में आप 1 पुट करें, ठीक है, तो वो आपके पास इन्फिनिटी बन रही है। इट्स मीन ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और काइंड कौन सी है, सेकंड काइंड होंगी। ठीक है, सेकंड काइंड है क्योंकि इसमें हमने 1 पुट किया है, तो वो आपके पास इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है 1 पुट करने के। अब हमने इसकी कन्वर्जन एंड डाइवर्जन चेक करनी है, इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करने के लिए, थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। ये आपके पास क्या, -1 to 1। इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस एफ स्क्वायर रूट, यानी कि सेपरेट सेपरेट लिखती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स। तो यहाँ से हम इसकी रैशनलाइज कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे, -1 फंक्शन लेते हैं और उसको सॉल्व आउट करते हैं। नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है, रैशनलाइज के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये देखें, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा। नीचे वाले को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1
dx। अब यहाँ पर आपको पता है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टर्म बाय टर्म लिखेंगे। टर्म बाय टर्म कैसे लिखेंगे, माइनस इनफिनिटी माइनस वन टू वन, वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट डी ऑफ एक्स प्लस माइनस वन टू वन एक्स। ये मैंने टर्म बाय टर्म लिख दी है क्योंकि इंटीग्रेशन को मैंने सॉल्व आउट करना था। डी ऑफ एक्स ठीक है, तो इसे सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ पर आपको अगर याद हो प्रॉपर्टी की है, प्रीवियस लेक्चर में की है। प्रॉपर्टी क्या थी, वो प्रॉपर्टी आपके पास ये थी, यहाँ पर प्रॉपर्टी में लिखने लगी हूँ, प्रॉपर्टी आपके पास ये थी, ये आपके पास सिमेट्री लिमिट थी इंटीग्रेशन की, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसे आप कैसे लिखते थे, ये आप आएगा टू, किसके इक्वल होगा, टू जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम इसकी वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ये तब पॉसिबल है जब एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या होना चाहिए, इवन। इवन के लिए ये आंसर देगा, और इसका आंसर जीरो कब आएगा, जब आपके पास एफ ऑफ एक्स ऑड हो जाएगा। ये इसका प्रॉपर्टीज की थी प्रीवियस लेक्चर में। अब ये वही चीज़ है ना, देखिए वन माइनस वन टू वन, यानी कि ए इसमें सेम ही है, ए की वैल्यू सेम ही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो आपके पास फंक्शन है, पहले इस वाले फंक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शन आपके पास क्या आ रहा है, इवन एंड ऑड चेक करने के लिए आपको पता होता है माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना होता है हमने। ये आपके पास है वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। इवन एंड ऑड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक्स की जगह, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वन माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ये आपके पास आ जाएगा वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट एफ माइनस एक्स। अगर आपके पास एफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, उस सूरत में हम क्या कहते हैं, ये फंक्शन आपके पास क्या है, इवन है। तो इसकी इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन किस तरह से लिखेंगे, ये आपके पास हो जाएगा। इवन के लिए हमने कौन सा यूज करना फार्मूला, ये वाला। तो ये किसके इक्वल होता है, टू, और इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, जीरो से वन, ये आपके पास आ जाएगा वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। प्लस अब हमने ये देखना है कि ये आपके पास क्या, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ये आपके पास इवन है या ओड है। तो ये देखने से लग रहा है ओड है, ये आपके पास क्या, एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इसमें आपने क्या पुट किया, माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट, दिस इज आपके पास ऑड आ गए। अच्छा, अगर फंक्शन आपके पास ऑड हो तो उसका आंसर हम किसके इक्वल लिखते हैं, जीरो के इक्वल लिखते हैं, ये आपके पास जीरो आ गया। अब हमने इंटीग्रेशन किसकी सॉल्व आउट करनी है, इसकी सॉल्व आउट करनी है, टू आपके पास आ जाएगा, जीरो टू वन इंटीग्रेशन है, वन माइनस एक्स स्क्वायर,
स्क्वेयर रूट, ये किसका डेरिवेटिव होता है? ये आपके पास साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, तो आपने लिखना है टू साइन इनवर्स एक्स, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट आपके पास क्या है 0 to 1, टू साइन इनवर्स, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, आपको पता है कि साइन का किस वैल्यू पर आंसर 1 देता है, पाई बाई 2 पर देता है, और साइन 0 0 पर ही 0 ही होता है, आंसर इज पाई, पाई आपके पास क्या है फाइनाइट, ये आपके पास क्या है कन्वर्जेंट है। ये इस तरह से हम इसे सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये इंप्रॉपर इंटीग्रल की सेकंड काइंड थी, तो इसको हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करने के लिए क्या किया, सिंप्लीफिकेशन किए, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या किया, रैशनलाइज किए, रैशनलाइज करने के लिए आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई है। इसके बाद हमने क्या किया, इसे हमने टर्म बाय टर्म के फॉर्म में लिख दिया, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज़ की है, लॉ जो होते हैं इंटीग्रेशन के टर्म बाय टर्म वाले वो यूज़ किया, तो आपके पास ये फंक्शन गिवन आ गए। इसके बाद हमने देखा है इसमें अगेन प्रॉपर्टी यूज़ की है, इस वाली इक्वेशन प्रॉपर्टी क्या थी, अगर आपके पास लिमिट ए सेम आ जाए तो उसे हम 2 0 to a f(x dx) इक्वल लिख सकते हैं। वहाँ पर हमने देखा है फंक्शन इवन है या ओ, इवन के लिए हमने उसकी वैल्यूज़ निकाल ली है, जो कि आपके पास आई है पाई इज इक्वल टू फाइनाइट, तो ये इंटीग्रल आपके पास कन्वर्जेंट हो जाता है। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, -1 to 1 1 over x square dx। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप डिस्कस करें ये आपके पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल होना चाहिए। इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है सेकंड काइंड की, कि आपके पास लिमिट पुट करने से आंसर इनफिनाइट आ रहा है, ये आम पर आप माइनस वन पुट करें, वन पुट करें, इसका आंसर आपके पास इनफिनाइट नहीं आ रहा। कौन सा पॉइंट है, साथ में ये भी था कि एक्स बिलोंग करता है ए बी से, तो इसमें से कौन सा पॉइंट है जो हम पुट करें आंसर इन्फिनाइट आ रहा है, वो 0 है, 0 पुट करने से इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, और आपको पता है 0 बिलोंग कर रहा है 1 और माइनस 1 इंटरवल से, ऑफ कोर्स कर रहा है बिलोंग, तो इसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनाएंगे। हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कौन सी काइंड बनाने लगे हैं, सेकेंड काइंड बनाने लगे हैं, सेकेंड काइंड बनाने के लिए हम 0 पर क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनाना है। -1 to 0 1 over x square dx प्लस 0 से -1 1 over x square dx, ये देखें। अब इसमें अगर आप 0 पुट करें आपके पास ये f(x) इनफिनाइट आ रहा है, इट्स मीन ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इसमें 0 पुट करें आंसर आपके पास इनफिनाइट आ रहा है, इट्स मीन ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब हम इसकी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इम्प्रॉपर इंटीग्रल पहले नहीं थे,
हमने इम्प्रॉपर इंटीजर किस पर किया ब्रेकडाउन, जिस पर ये आपके पास आंसर इनफाइनाइट आ रहा था, उसकी हेल्प से हमने क्या किया, उस पॉइंट की हेल्प से इसे हमें इम्प्रॉपर इंटीजर बना लिया। अब इसे हम सॉल्व आउट करेंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, 1/x² की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होती है, यहाँ पर मैं क्योंकि फंक्शन सेम है इसकी एक ही टाइम इंटीग्रेशन कर लूँगी और उसे लिख देंगे। वन ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपके पास किसके इक्वल होते हैं, क्योंकि पावर है, पावर में पावर हो तो हम नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाला ड्राइव नहीं करते, हम क्या करते हैं पावर को ऊपर ले जाते हैं। ये आपके पास -2 डी एक्स आ जाएगा, और आपको पता है x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो मौजूद है, अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर में ऐड करते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2 + 1 -2 + 1, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा x -1 -1, तो ये आपके पास आएगा -1/x। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है -1/x है, इसकी लिमिट पुट करेंगे, ये आपके पास है -1/0, ठीक है, प्लस +0/1 लिमिट पुट करेंगे, -1/0 आपके पास क्या आता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 1 + 1, ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। आंसर आपके पास इन्फिनाइट आएगा। तो आपने कह दिया ये कन्वर्जन नहीं है, क्या है, डाइवर्जेंट है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन करते हैं, ये आपने बता दिया, ये जो आपके पास इंटीग्रल है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इसी तरह इसका एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना था कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ना हो और बता दिया हो कन्वर्जेंट आपने इसकी देखी है, तो उसकी जो रेंज होगी ना इंटीग्रेशन की लिमिट्स की, पॉइंट कुछ ना कुछ तो ऐसे होगा जिस पर वो इन्फिनाइट आंसर दे रहा होगा, तो जिस पर इन्फिनाइट आंसर दे रहा हो तो वहाँ पर आपने क्या कर देना, ब्रेक डाउन कर देना, ब्रेक कर देनी लिमिट। अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें से आप देखना है ब्रेक किस तरह हम करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन है आपके पास 0 to 3, वन ओवर x² - 3
3x प्लस 2 dx। इसकी आपने देख लिया कि इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, इसका क्या आंसर है। तो इसको सबसे पहले हम फैक्टर बनाएंगे। तो इसके फैक्टर इजीली बन सकते हैं, क्या बनते हैं, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री माइनस टू। ठीक है, फैक्टर इजीली बना सकते हैं, देख लेना। ये आपके पास क्या है, 2x² है। तो आप इसके फैक्टर बनाने मल्टीप्लाई करें, 2 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -3 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, -2x को x-x से मल्टीप्लाई करें तो +2x² आ जाएगा, और जब आप इसे प्लस करें तो -3 आ। ठीक है, ये आपके पास फैक्टर हो गए, इस तरह बना सकते हैं। तो ये हम करेंगे इसे सॉल्व 0 to 3, क्योंकि पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल को हम सॉल्व आउट करते हैं इन फॉर्म ऑफ फैक्टर। इसके फैक्टर आपके पास आएंगे, एक आपके पास आएगा एक्स माइनस वन, और सेकेंड होगा आपके पास एक्स माइनस टू डी एक्स। अच्छा, इस टाइप की इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करते हैं। अब ये देखें, आप 0 पुट कर रहे हैं, इनफिनाइट नहीं हो रहा, 3 पुट कर रहे हैं, इनफिनाइट नहीं हो रहा, यानी कि ये इंप्रॉपर इंटीग्रल नहीं बन रही। तो फिर हम कन्वर्जन डाइवर्जन चेक नहीं कर सकेंगे। तो हमने देखना है कि 0 और 3 में से ये आपके पास इसमें कौन सा पॉइंट है जो ऐड पुट करें तो आपके पास इंटीग्रेशन, ये जो फंक्शन है आपके पास इनफिनाइट आ रहा हूँ। इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिस्कस करने लगे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल की सेकंड काइंड होती है कि आपके पास इंटीग्रेशन लिमिट्स तो फाइनाइट है लेकिन फंक्शन की वैल्यू इनफिनिटी होती है। इस टाइप की जो इंटीग्रेशन होती है उसे हम प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड कहते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है वन, वन पुट करेंगे, यहाँ पर आप वन पुट करें तब आपके पास क्या हो रहा है, फंक्शन इनफिनिटी पुट इनफिनिटी को जा इनफिनिटी आंसर आ रहा है, इनफिनाइट बन रहा है। 2 पुट करें तब भी आपके पास f(x) क्या आ रहा है, इनफिनाइट आ रहा है। तो इट्स मीन आपके पास 1 और 2 पॉइंट ऐसे हैं जो बिलोंग कर रहे हैं 0, 3 से। ऑफ कोर्स ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई है, ये आपके पास इन इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट इस इंटरवल से बिलोंग ना कर रहे हों तब हम कह सकते हैं केस में इसकी हम कन्वर्जन डाइवर्जन चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं है। अब इसकी कन्वर्जन डाइवर्जन चेक करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट ब्रेक करेंगे। लिमिट किस पर ब्रेक करेंगे, 1 पर और 2 पर। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी, पहले हम 1 पर ब्रेक करेंगे 0 to 1, 1 over x-1 x-2 dx प्लस फिर कब 1 से 2 पर ब्रेक करेंगे, x-1 x-2 dx प्लस टू टू थ्री x-1 x-2
डी एक्स, ये हमने पॉइंट पुट किया। अब इसमें आप फर्स्ट इंटीग्रल में देखिए ब्रेक ये बगैर आप करेंगे तो वो तो वो तो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल के आंसर आएगा, ठीक है ना। हमने सॉल्व किसे करना है, प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करना। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट जस्ट यूज होती है इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए। हमने दूसरे जो आपके पास विदाउट इम्प्रॉपर इंटीग्रल की इंटीग्रेशन करते हैं उसके लिए हम यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमने चाहिए कि ये आपके पास इंटीग्रेशन है ना इम्प्रॉपर होनी चाहिए। इम्प्रॉपर नहीं है तो इम्प्रॉपर बनाएंगे, इम्प्रॉपर बनाने के लिए भी आपके पास ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि जिस पर ब्रेक कर रहे हैं वो इस इंटरवल से बिलोंग होने चाहिए। अब ये देखें यहाँ पर वन पुट करें इनफिनाइट आंसर आ रहा है, यहाँ पर भी टू पुट करें इनफिनाइट आंसर आ रहा है, यहाँ पर भी टू पुट करें इनफिनाइट आंसर आ रहा है। इट्स मीन ये तीनों इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं 0, 2, 3 पुट कर लें, उसका आंसर डिफरेंट आएगा क्योंकि हम वो चेक नहीं कर रहे, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके लिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए हमें ये चीज़ करना ज़रूरी है। अगर आपसे ना पूछा जाए इम्प्रॉपर इंटीग्रल बताएं तो आप वो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं विदाउट इंटीग्रेशन इसका आंसर क्या आ रहा है। आई इज इक्वल टू, हमने कंसीडर की है इंटीग्रेशन, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डी एक्स। इस बार हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आएगा ए एक्स माइनस टू बी एक्स माइनस वन इस इक्वेशन का सॉल्व आउट करेंगे टू ए प्लस बी एक्स माइनस बी। अच्छा इसमें आप कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट, एक्स के कंपेयर करेंगे जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी आएगा। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं किसके इक्वल है, माइनस बी के इक्वल है। इसके बाद कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ रहा है वन इज इक्वल टू माइनस टू ए माइनस बी। यहाँ पर आप पुट कर लें माइनस टू ए माइनस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बी किसकी इक्वल है, ए के इक्वल है, प्लस ए हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ए, ए का आंसर आपके पास वन आया और जो बी है वो आपके पास किसकी इक्वल आई है, माइनस वन की इक्वल आई। अब जान से भी हम इसे सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगी
एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव है क्या होता है? नेचुरल लॉग नीचे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, हमने वो लिख दिया माइनस नेचुरल लॉग पुट करेंगे। ये हमने पुट कर दिया, यही मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, प्रॉपर्टी यूज की है किसकी, नेचुरल लॉग की। अगर प्लस होता तो मल्टीप्लाई होता, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन था, इस वजह से मैंने क्या किया। अब क्या करेंगे, इस जो आपके पास ये इंटीग्रल है इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ली, लिमिट अप्लाई करेंगे। जब फर्स्ट फंक्शन इस फंक्शन को देख रहे हैं, इसका आंसर आपके पास यही आएगा। लिमिट आपके पास क्या है, 0 to 1 प्लस वन टू टू नेचुरल लॉग ये यहाँ पर है माइनस है और बी प्लस वन है, तो ये तो आ गया। यहाँ पर भी चेंजेस होंगी, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये भी चेंज हो जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये करेक्ट कर लें। ठीक है, आपके पास एक आंसर माइनस में, और जब माइनस उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव में होगा, तो ये इस वजह से हो जाएगा। माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन। ठीक है, इस तरह से आए, ये पॉजिटिव और माइनस है। यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ की है, अगर सब्ट्रैक्शन हो रही हो नेचुरल लॉग की तो डिवाइड होती है, प्लस हो रहा हो तो वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर इसी इंटीग्रल में लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन तीनों सेम है, इन तीनों की यही इंटीग्रेशन होगी, इसी वजह से एक ही दफा हमने कर ली। जीरो टू वन प्लस ये नेचुरल लॉग है एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन, वन टू टू प्लस नेचुरल लॉग एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन, टू टू थ्री। ठीक है, अब इसकी हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है, इसे इसकी इंटीग्रेशन का सॉल्व आउट करेंगे। अब यहाँ पर आपको
क्लियर हो रहा है, वन पुट कर रहे हैं तो ये नेचुरल लॉग इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी आ रहा है, टू पुट कर रहे हैं, वन पुट कर रहे हैं, दोनों आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है। यहाँ पर अगर आप इसमें टू पुट कर दें, इन्फिनिटी बन रहा है नेचुरल लॉग ऊपर, क्योंकि जीरो हो रहा है नेचुरल लॉग जीरो इन्फिनिटी, ये आपके पास अनडिफाइन होता है, नेचुरल लॉग जीरो अनडिफाइन होता है, तो इस वजह से पूरी इक्वेशन आपके पास अनडिफाइन आ रही है। ठीक है, यहाँ पर अनडिफाइन हो रहा है वन की वजह से। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यूज पर भी डिफाइन नहीं होता। ठीक है, वो चीज यहाँ पर वन और टू दोनों की वजह से, यहाँ पर भी टू की वजह से, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, इनफिनाइट आ रहा है। ठीक है, इनफिनाइट अगर आपके पास आ जाए तो तब क्या करेंगे, ये आपके पास डाइवर्जेंट प्रॉपर इंटीग्रल हम कहते हैं, ये आपके पास डाइवर्जेंट ये देखें। ठीक है, ये डाइवर्जेंट प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, उसको आपने फैक्टर में इन्वॉल्व किया, फैक्टर इन्वॉल्व करने के बाद आपने उसमें पार्शियल फ्रैक्शन ले जाइए, जिसमें से ए आपके पास माइनस वन है और बी आपके पास वन आया है। करने के बाद यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी यूज किया, प्रॉपर्टी यूज करते हुए आपके पास ये इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन में लिमिट पुट किया, इनफाइनाइट आंसर आ रहा है, जिसे आपने कह दिया जो आपके पास गिवन प्रॉपर इंटीग्रल है वो आपके पास क्या है, डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, कुछ थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस ही प्रॉब्लम पड़ गई है, बुक में से क्वेश्चन है, आपने मैं शो करवा देती हूँ लास्ट में। ठीक है, उसमें से आपने करने भी है, बुक में से क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, जीरो टू वन, वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। अच्छा, आपने इसका बताना है, ये जो आपके पास इंटरग्रेशन है ये कन्वर्ज कर रही है, यहाँ डाइवर्ज कर रही है, तो इसके लिए आपको पता है जीरो पुट कर रहे हैं तो ये डाइवर्ज हो रही है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपके पास है, इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व आउट करेंगे, जीरो टू वन लिमिट है, एक्स पावर है, तो ये आपके पास माइनस वन ओवर टू आ जाएगी, डी एक्स आ जाएगी, और आपको पता है अगर इंटीग्रेशन का आगे डेरिवेटिव हो तो ऐड करते हैं, ऐड करने से आपके पास ये आ रहा है टू एक्स वन ओवर टू इंटीग्रेशन इसकी, और ये लिमिट अप्लाई करेंगे जीरो टू वन आ रहा है, तो इसका आंसर एक आपके पास टू होगा और एक आपके पास माइनस जीरो, अपर लिमिट का आंसर टू है, लोअर का जीरो आ रहा है, आंसर इज टू, फाइनाइट है। तो आप इसे कह सकते हैं ये आपके कन्वर्जेंट है। ये आपके पास कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, ये इस तरह से आप इसकी कन्वर्जेंट को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास क्या है, बुक में ये क्वेश्चन आई है। ठीक है,
माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू और टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी है। ये आपके पास इंटीग्रेशन है, ठीक है, इसे हमने सॉल्व आउट करना है। तो आपको पता है कि इसको हम किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन है, प्रॉपर फ्रैक्शन की हेल्प से हम इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कौन सी काइंड है? फर्स्ट काइंड है। प्रॉपर इंटीग्रल है लेकिन कौन सी काइंड है? फर्स्ट काइंड है। किसकी वजह से? इसकी वजह से, ठीक है। अब इसे सॉल्व आउट करेंगे। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि एक्स के माइनस वन को हम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, इसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा डी ऑफ एक्स ठीक है। इसके क्योंकि टाइम कम है तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। एक आंसर आपके पास वन आएगा, बी का माइनस वन आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा डी एक्स एक्स माइनस वन माइनस माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। अब इसमें यहाँ पर पुट कर दें, ये आपके पास है माइनस इन्फिनिटी टू टू माइनस टू नेचुरल लॉग एक्स माइनस वन माइनस माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन। बताएं, ये मैंने यहाँ तक कर तो दिया, अब आंसर आना चाहिए। डाइवर्जेंट है, और देख लेते हैं डाइवर्जेंट है कि नहीं है। ये आपके पास यहाँ पर लॉ की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये आपके पास क्या है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इजी के लिए, कैलकुलेशन को इजी के लिए अब इस तरह से बना लें, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इसमें आप माइनस टू पुट करेंगे, जो अपर लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस थ्री ओवर नीचे आपके पास माइनस वन आएगा, तो ये पॉजिटिव थ्री हो जाएगी, नेचुरल लॉग थ्री। क्लियर हुआ? इसमें नेचुरल लॉग ऑफ थ्री आएगा। कैसे आएगा? इसमें आपने माइनस टू पुट किया, माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास माइनस टू प्लस वन माइनस वन आता, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, इसीलिए आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ थ्री आ गया। माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आपके पास क्या है? इनफिनाइट है, नेचुरल लॉग ये आपके पास हो जाएगा माइनस इनफिनिटी माइनस वन
माइनस इनफिनिटी प्लस वन नेचुरल लॉग ऑफ थ्री माइनस। अच्छा अब यहाँ पर आप करें, ये आपके पास क्या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, बताएं इसे हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। जी आपने लिमिट्स किए हैं काफी। ये आप यहाँ पे लिमिट किए बताएं। ये इन्फिनिटी नहीं होता, मैं तो कहती हूँ वन होना चाहिए, कैसे होगा बताएं, यही तो बताना है आपने। नेचुरल हो गया ये, देखिए ना मैंने आपको क्या बताया था लिमिट है, इस तरह अगर आ जाए तो क्या करते हैं, हम भूल गए सारा कुछ। जीरो आंसर माइट, मैंने किन को पढ़ाया है, लिमिट पुट करने से अगर आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाए उस पर, तब हम इसको सॉल्व आउट करने के लिए क्या करते हैं, लोपिटर रूल अप्लाई नहीं करते, या आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, कोई हाल नहीं आपको। अब यहाँ पर देखें ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, तो इसको हम यहाँ से किस तरह सॉल्व आउट करेंगे, इसको हम यहाँ पर इस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। इंटीग्रेशन में वही कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर ये यह हमारे पास लिमिट यूज है, माइनस इन्फिनिटी और माइनस टू इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हो जाए, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये इसकी जो ये माइनस इन्फिनिटी वाला पॉइंट है वो आपको थोड़ा सा बताने लगी। बी माइनस टू और लिमिट आप यहाँ पर ले लें बी पॉज टू माइनस इन्फिनिटी, और आपके पास फंक्शन क्या है यहाँ पर
फंक्शन है आपके पास एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ये आपके पास है ठीक है। चले टू का आंसर तो आपके पास आ ही जाता है, माइनस करें नेचुरल लॉग लिमिट बी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर लिमिट पुट की थी तो आपके पास आ रहा था इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, तो हमारे पास लिमिट में लुपिटर रूल है कि हम इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को रिमूव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ लुपिटर रूल से। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, लुपिटर रूल ही अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास क्या लिमिट बी अपोज टू इन्फिनिटी, तो एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, वन आता है, नीचे भी वन आएगा, तो लिमिट पुट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, वन आएगा। ये भी आपके पास इंटीग्रल की डेफिनेशन होती है ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, वन आएगा, इसका आंसर आपके पास हो गया वन आएगा। तो ये आपके पास किसके इक्वल है, नेचुरल लॉग ऑफ वन, नेचुरल लॉग तो आएगा ही, आपने जस्ट इसके अंदर वाले का बताया एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन की लिमिट, नेचुरल लॉग ऑफ वन, ये भी आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ वन। आंसर इज फाइनाइट कन्वर्जेंट, आपके पास जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ये इस तरह से होता है। ये सारा मैंने जरा आपको समझाने के लिए किया, ये पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, इस तरह से करते हैं। चलें क्लास का टाइम ओवर हो गया, मेरी नेक्स्ट क्लास है और आप लोग क्वेश्चन करें, मैं बुक मैं आपको ना बाद में सेंड कर देती हूँ, टाइम हो गया ठीक है, अल्लाह हाफिज़।